मार्वल की ऐसी मेजर मिस्टेक्स जिनको सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। मेरा नाम है सोनू, तो आप देख रहे हैं फैक्ट्स एक्सप्लेन चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। मिस्टेक नंबर 3, ये मिस्टेक है एवेंजर्स एंड गेम से। तो आप सबको पता ही होगा कि एंड गेम में सभी एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करते हैं और उसी ट्रैवल से कैप्टोनी और एंडमैन 2019 से 2012 वाले टाइम में आते हैं। लेकिन उसी टाइम में जब कैप्टन अमेरिका एलिवेटर के अंदर जाते हैं तो उस एलिवेटर के अंदर हाइड्रा के मेंबर्स होते हैं। उनमें से इस गंजे के हाथ में जो फोन होता है वो फोन होता है सैमसंग गैलेक्सी S6। जो मैं आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी का S6 मॉडल 2015 को रिलीज हुआ था, जिसमें ये गंजा 2012 की टाइमलाइन में 2015 का फोन यूज कर रहा था, जो मार्वल की बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक थी। टेक नंबर 2 एंटमैन की मूवी से है। एंटमैन की मूवी को देखकर हमने ये जाना है कि पिंप पार्टिकल्स किसी भी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पूरी तरह वेस्टलेस है, कोई लॉजिक नहीं है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हैंक पिम की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई पिम पार्टिकल्स का यूज करता है तो पिम पार्टिकल किसी भी तरह का मास को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। अगर कोई इसका यूज करता है तो अगर वो छोटा हो गया तो उसका वेट नहीं घटेगा। जो हमने एंटमैन मूवी में देखा था, जब स्कॉट कार पर गिरता है तो उस पर डेंट पड़ जाता है। लेकिन आगे जाके मार्वल इस पर गलतियां करना शुरू कर देता है। जैसे हैंक पिम अपने ऑफिस को छोटा करता है तो वो उसे आसानी से खींच सकता है। लेकिन जो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मिस्टेक नंबर 1 पीटर क्विल की मिक्स टेप से है। देखो यार, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फ्रेंचाइज की 3 मूवीज हैं जो बहुत बड़ी सुपर ऊपर हिट रही है। एक मिस्टेक है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 से। सबको पता है कि पीटर क्विल को गाने सुनना बहुत पसंद है जो उसकी माँ ने दिए थे। पर कैसे? क्योंकि रेट्रो लुकिंग कैसेट साल 1993 को बनना शुरू हुई थी, पर पीटर क्विल की माँ ने तो ये कैसेट साल 1988 को दिए थे। कोई 5 साल पहले इस कैसेट को कैसे खरीद सकता है इसके रिलीज से पहले, जो काफी बड़ी मेजर मिस्टेक थी मार्वल की तरफ से। ऐसी ही एमसीयू की मिस्टेक्स और फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय गाइस।